मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। चौथा अध्याय का आज पूरा अपने को रिवाइज करना है। इसमें 42 सूत्र हैं और मुख्यता से देवों का वर्णन है। तो सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है, जिसमें कि पहले अपन देव के बारे में अवधि ज्ञान के उनको होता है, ऐसा पहले अध्याय में पढ़ करके आए हैं। तो वो देव कौन है, कितने प्रकार के हैं, उसके लिए यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी जी महाराज पहले सूत्र में कह रहे हैं, देवास चतुर्निकाया। देवास चतुर्निकाया, देव जो है चार निकाय वाले होते हैं। इनमें प्रत्येक निकाय में भी बहुत सारे देव होते हैं, इनके नाम आगे आएंगे। और ये देव जो होते हैं, इनमें बुढ़ापा नहीं होता, इनकी परछाई नहीं पड़ती, इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। इस प्रकार से देवों का जिनका जन्म उपा जन्म होता है, जैसे कोई सोकर के उठाओ, इस प्रकार से इनके पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। अब इनके जो चार निकाय में से तीन निकाय के लिए उनकी कौन कौन सी लेशें होती हैं, उसके लिए अगला सूत्र आता है, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या, हाँ, आगे के जो तीन निकाय हैं उनमें पीत है अंत में, तो इसमें कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ऐसी चार लेशें होती हैं। तो यहाँ पर आदि के तीन निकाय में वैसे नाम आगे आएंगे, लेकिन फिर भी भंडवासी, व्यंतर और ज्योतिष भवनत्रिक कहलाते हैं। इनमें चार लेशें होती हैं। यहाँ पर टीकाओं में कहीं कहीं पर बताया जाता है कि जो तीन लेशें होती हैं, जो अशुभ लेशें हैं, वो अपर्याप्त अवस्था में होती हैं, लेकिन आचार्य जी का कहना है कि अशोक कुमार आदि जाति के देव जाकर के नरकों में लड़ाई करवाते हैं, इसलिए उनमें पर्याप्त अवस्था में भी अशुभ लेशें होनी चाहिए। अब इनके उत्तर भेद बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ता। 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 हाँ, जहाँ तक कल्प है वहाँ तक इनके क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। तो भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिष के 5 और कल्पोपन्न जो देव हैं वैमानिक, उनके 12 भेद होते हैं। अब इनमें इंद्रादि की 10 प्रकार की भेद की कल्पना जहाँ पर पाई जाती है, उनको कल्प कहा जाता है, और उनमें जो उत्पन्न होने वाले कल्पोपन्न कहलाते हैं। तो वो 10 प्रकार के भेद कौन कौन से होते हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंस पारिषदात्म रक्ष लोकपालानि कप्रकीर्ण का अभियोग किल विश्वास चैकशः। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंस पारिषदात्म रक्ष लोकपालानि कप्रकीर्ण का अभियोग किल विश्वास चैकशः। हाँ, इनके इंद्र आदि ये 10 भेद होते हैं। तो इंद्र जो होता है वो सब में विशिष्ट रहता है, राजा के समान वो इंद्र कहलाता है। सामान्य जो इंद्र के समान होते हैं आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर के, ये माता पिता और गुरु के तुल्य होते हैं। फिर त्रयस्त्रिंस, ये मंत्री पुरोहित के समान होते हैं, इनकी 33 संख्या होती है, इसलिए त्रयस्त्रिंस सार्थक संख्या है। पारिषद इंद्र की सभा के सदस्य होते हैं, वो पारिषद कहलाते हैं। आत्मरक्ष जो अंगरक्षक के समान होते हैं, लोकपाल जो कोतवाल के समान होते हैं या अर्थचर के समान होते हैं, वो लोकपाल कहलाते हैं। और अनीक, वहाँ पर 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं, वो अनीक कहलाती हैं। प्रकीर्णक, जिस प्रकार से नगरवासी होते हैं तो ये प्रकीर्णक कहलाते हैं। फिर अभियोग, जो दास के समान कार्य करते हैं, इंद्रादि की आज्ञा प्राप्त करके हाथी घोड़े आदि के रूप में परिवर्तित होते हैं, वो अभियोग जाति के देव होते हैं। और किल्वेशक, जो जिनमें पापों की बहिरता होती है, जो चांडाल के समान इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं करते, वो किल्वेशक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 10 भेद होते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें जो चारों निकाय में ऐसे कहा जाए तो सब में पूरे पूरे लग जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या वर्जित हैं, उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है, त्रयस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। त्रयस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। हाँ, त्रयस्त्रिंस और लोकपाल, ये
वर्जित हैं व्यंतर में और ज्योतिष में, यानी दोनों निकायों में ये दो चीजें वर्जित हैं, यानी ये दो वहां पर नहीं होते। इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना है कि त्रायस दिंस व्यंतरों में और लोकपाल ज्योतिष में वर्जित हैं, दोनों ही जो दस भेदों में से दो भेद इन दो निकायों में वर्जित हैं। अब इंद्रों की कैसी व्यवस्था होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्वयोर द्विंद्रा, पूर्वयोर द्विंद्रा। हाँ, पहले के दो निकाय में यानी भवनवासी और व्यंतर में वहां पर दो दो जो है इंद्र होते हैं, इसमें दो दो इंद्र होते हैं। इसके माध्यम से अपन जो 100 इंद्रों का निराकरण करते हैं, 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं उसके लिए इसमें प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में अब तीन सूत्रों में इनमें जो वैशिक सुख होता है वो किस प्रकार से होता है उसके लिए कह रहे हैं कायक प्रविचारा आ ऐशानान, कायक प्रविचारा आ ऐशानान, कायक प्रविचारा आ ऐशानान, कायक प्रविचारा आ ऐशानान। ऐशान स्वर्ग तक, यानी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष को ऐशान में वैमानिक में दो ऐशान तक, यानी सौधर्म ऐशान तक, वहां पर काय से प्रविचार होता है, तो यहाँ पर मैथुन सेवन को ही प्रविचार कहा जाता है। अब इसके बाद में शेष देवों में कैसा होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। हाँ, इसमें सानत कुमार महेंद्र देवों में वहां पर स्पर्श मात्र से, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट देवों में वहां पर उनके हाव भाव श्रृंगार वस्त्राभूषण आदि को देखने मात्र से, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में वहां पर उनके संगीत को सुनकर के, उनके आभूषणों की आवाज को सुनकर के, और आनंद प्राण तारण चित्त में वहां पर मन में स्मरण करने मात्र से वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर बाकी के इसके ऊपर की क्या स्थिति है, तो वहां पर कहते हैं परे प्रविचारा, परे प्रविचारा। हाँ, 16वें स्वर के ऊपर के जो देव हैं नवग्रीवेक 929 और 569 उनमें प्रविचार नहीं होता, देवियां भी 16वें स्वर तक रहती है उसके ऊपर देवियां नहीं होती। अब इसके बाद में चार प्रकार के निकाय में जो पहला निकाय भवनवासी है उनकी सामान्य संज्ञा और उसके बाद में उनकी जो भेद है उनका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार हो रहा है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनी तो दधि द्वीप दिक् कुमारा, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनी तो दधि द्वीप दिक् कुमारा। भवनवासी यानी पहला निकाय जो है भवनवासियों का है और उसमें असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नेह कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार, ऐसे उनके 10 भेद होते हैं और कुमार इनमें सभी में लगा हुआ है क्योंकि इन सबकी वेशभूषा, आभूषण, क्रीड़ा, रहन सहन आदि सब कुछ जो है कुमारों के समान होता है, इसलिए इनमें सब में कुमार लगा हुआ है। तो असुर कुमार जिनकी हिंसा में रति रहती है, नाग कुमार जो फण से युक्त होते हैं, विद्युत कुमार जो बिजली के समान चमकते हैं, सुपर्ण कुमार जिनके विक्रिया में सुंदर सुंदर पंख से सुशोभित होते हैं, अग्नि कुमार जिनके मुखों से अग्नि प्रज्वलित होती है, वात कुमार जो तीर्थंकरों के विहार मार्ग को शुद्ध करते हैं, स्तनित कुमार जो शब्दों को करते हैं, फिर उदधि कुमार जो समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं, द्वीप कुमार जिनको द्वीप में क्रीड़ा करना पसंद है, और दिक् कुमार जिनको दिशाओं में क्रीड़ा पकड़ना पसंद है। इस प्रकार के ये 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। अब व्यंतरों के लिए सामान्य संज्ञा व्यंतर और उनके भेदों को बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। हाँ, ये जो है 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं, तो उसमें किन्नर जिनको गीत गाने में रति होती है वो किन्नर कहलाते हैं, किम पुरुष जो मैथुन में ज्यादा रुचि रखते हैं वो किम पुरुष, महोरक जो सर्पाकार विक्रिया करते में रुचि रखते हैं, गंधर्व जो इंद्र आदि के गीत गाने वाले होते हैं, यक्ष जिनके लोभ अधिक होता है जो भंडागार में नियुक्त होते हैं वो यक्ष कहलाते हैं, राक्षस जिनको भीषण विक्रिया करना रुचिकर लगती है वो राक्षस कहलाते हैं, और भूत ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। पिशाच के लिए वैसे जनरल समझा जाता है कि जो पिशित असनात यानी मांस खाते हैं, ये तो केवल उनके ऊपर उनका आवरणवाद है,
क्योंकि इनका सबका मानस आहार होता है, इस प्रकार से इनके नाम के साथ में जो लौकिक में चलता है वैसा ना लेकर के यहाँ पर अपने को ये आठ प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, इनकी जानकारी इस प्रकार से लेना चाहिए। अब ज्योतिष देव की सामान्य संज्ञा और उनके भेद बदलाने के लिए अगला सूत्र आता है, ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। हाँ, ये तीसरा निकाय ज्योतिष का है और इसमें सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक, इस प्रकार से प्रकीर्णक का जो है, जो प्रकीर्णक है तारक, तारक जो है तारे का ही विशेषण है प्रकीर्णक, जो बिखरे हुए तारे हैं। तो इस प्रकार से पांच प्रकार के जो ज्योतिषमान रहते हैं वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। अब इसके बाद में तीन सूत्रों में ज्योतिष देवों के माध्यम से इनका भ्रमण आदि होता है, उसका वर्णन करने के लिए मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके। जो ज्योतिष देव होते हैं वो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा का होता है अपने दाहिने हाथ की ओर कुछ पुरुषों को रख करके जो घूमा जाता है वो प्रदक्षिणा कहलाती है। तो निर्लोक यानी मनुष्य लोक में ही ये उनकी परिक्रमा करते हैं, तो किसकी, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। आचार्य जी कहते हैं ढाई दीप में ही साधना होती है, इसलिए ढाई दीप में ही ये परिक्रमण करते हैं। अब इसके बाद में इसी इनके परिक्रमण से क्या होता है, तो तत्कृत काल विभाग। हाँ, इनके इस प्रकार से गमन करने से वहां पर काल का विभाजन होता है, जिससे घड़ी घंटा दिन आदि का ज्ञान होता है। अब इनके यहाँ पर परिभ्रमण करते हैं और इनसे काल का विभाग होता है, तो बाहर की क्या स्थिति है, तो वही रवस्थिता। हाँ, बाहर में जो ज्योतिष देव होते हैं वो स्थित रहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब वो कह दिया कि अंदर घूमते हैं तो बाहर स्थित होंगे, नहीं, बाहर है भी नहीं, इसका ज्ञान नहीं था, और उल्टी दिशा में भी घूम सकते हैं, कभी कभी भी घूम सकते हैं, और सबका निराकरण करने के लिए कह दिया कि बाहर में अवस्थित हैं। और इसके माध्यम से जो मेरु के ऊपर हैं विमान वो भी अवस्थित हैं, इसका मैंने सूत्र के माध्यम से ले सकते हैं। अब आठ सूत्रों में वैमानिकों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, जो चौथा निकाय है उसके लिए अलग से यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसका अधिकार प्रारंभ करने वाला सूत्र है वैमानिका। अब चौथे निकाय को वैमानिक कहते हैं, जिसमें रहने वाले अपने आप को पुण्यशाली समझते हैं वो विमान कहलाते हैं, और विमान में जो उत्पन्न होते हैं वो वैमानिक कहलाते हैं। इस प्रकार से वैमानिकों का अधिकार प्रारंभ होता है। वैमानिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो उसके लिए उनके भेद बदलाने के लिए कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। हाँ, जहाँ पर इंद्रादिक के भेद होते हैं, कल्पना होती है, वो कल्पोपन्न कहलाते हैं, और जहाँ पर इंद्रादि की कल्पना नहीं होती है ऐसे वो कल्पातीत कहलाते हैं। तो कल्पातीत में जो होते हैं वो अहमिंद्र कहलाते हैं, वहाँ पर कोई भेद नहीं होते, सब वहाँ पर समान होते हैं, तो वो अहमिंद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से दो भेद इनके वैमानिकों के बताए। अब ये देवों के विमान कैसे अवस्थित हैं, क्योंकि ज्योतिष जो हैं वो तिरछे में व्यवस्थित हैं, जो नारकी होते हैं वो नीचे नीचे के रूप में रहते हैं, व्यंतर जो है असमान रूप से व्यवस्थित रहते हैं, तो ये विमान किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है उपरी। हाँ, ये विमान ऊपर स्थित हैं। अब इनमें जो विमानों के नाम क्या क्या हैं उनके लिए अगला सूत्र आता है, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार शैश्रारेशुवानत प्राणतयो राणाचुद्योर नवसु ग्रेवे केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौ च। ये जो 16 स्वर्ग हैं उसके ऊपर फिर वहाँ पर नव ग्रेवेक हैं, तो नव सु ग्रेवेक है, इसके माध्यम से वहाँ पर नौ ग्रेवेक हैं और नौ अनुदेश हैं, फिर इसके बाद में पांच अनुत्तर हैं। इसके बारे में जैसे लोक का आकार होता है, कोई पुरुष अपने दोनों
कमर पर हाथ रख करके और पैर फैला करके खड़ा हुआ है, तो जहाँ पर ग्रीवा रहती है, गर्दन रहती है, वहाँ पर नौ ग्रेविक रहते हैं, जहाँ पर थोड़ी रहती है वहाँ पर नॉनविस रहते हैं, जहाँ पर मुख रहता है वहाँ पर पंच अनुत्तर रहते हैं, और सिर के स्थान में वहाँ पर मोक्ष का स्थान रहता है। अब इनमें ऊपर ऊपर के देवों की क्या स्थिति रहती है, क्या विशेषता रहती है, तो उसके लिए कह रहे हैं स्थित प्रभाव सुखद द्युति वेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो अधिका। ऊपर ऊपर स्थिति यानी आयु बढ़ती जाती है, प्रभाव भी, शाप अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं, वो भी ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, सुख भी वहाँ पर विषयों का अनुभव होता है वो वहाँ पर ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, द्युति उनके आभूषणों की, उनके आवरणों की, उनके शरीर की द्युति ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, फिर लेशिया की विशुद्धि भी ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है, और इंद्रिय के विषय और साथ साथ में अवधि ज्ञान के विषय भी उनके ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, फिर सब चीज़ें ऊपर बढ़ती जाती हैं कि कुछ अलग भी है, तो कहते नहीं ये चीजें कम होती जाती हैं, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। हाँ, ऊपर ऊपर के देव जो हैं कम आना जाना पसंद करते हैं, उनके शरीर भी छोटे छोटे होते जाते हैं और विमान आदि भी उनके छोटे छोटे हो जाते हैं और अभिमान भी उनके कम होते जाते हैं क्योंकि देशों की विशुद्धि बढ़ जाती है, इस प्रकार से ये सब चीजें ऊपर ऊपर कम होती जाती हैं। इसके साथ साथ एक दिन उस बार भी बताया था कि यहाँ पर ऊपर ऊपर परिग्रह कम होता जा रहा है लेकिन सुख की वृद्धि होती जा रही है, तो परिग्रह सुख का कारण नहीं, परिग्रह दुख का कारण है, इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। अब इनकी लेशियाएं, तीन निकाय की लेशियाएं तो बता दी थी, अब वैमानिकों की लेशियां बताने के लिए अगला सूत्र आता है, पी पद्म शुक्ल लेशिया द्वित्री शेषेषु। हाँ, इसमें दो निकायों में पीतलेशिया, फिर तीन निकायों में पद्मलेशिया और शेष युगल में वहाँ पर शुक्लेशिया होती है। वैसे यहाँ पर सामान्य से ऐसा कह दिया है लेकिन जब अपन देखते हैं विशेष रूप से तो वहाँ पर सामान्य से वर्णन कर दिया है, जैसे कहा जाता है कि कोई छतरी लेकर के जा रहा है उनके साथ में बिना छतरी भी मिलाई जाते हैं तो भी कहने में आ जाता है कि देखो छतरी वाले जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लेशियों को सामान्य से ऐसा कह दिया है लेकिन बीच बीच में वहाँ पर अन्य लेशियाएँ भी आ जाती हैं, कि जैसे यहाँ पर देखें कि दो युगलों में पीतलेशिया है, फिर लेकिन यहाँ पर सानत कुमार और महेंद्र में वहाँ पर पद्मलेशिया की विवक्षा नहीं की गई है, फिर ब्रह्मलोक आदि तीन कल्पों में वहाँ पर युगलों में पद्मलेशिया है और वहाँ पर शुक्र और महाशुक्र में शुक्लेशिया की विवक्षा नहीं की गई है, इसी प्रकार से शेष जो शतार आदि हैं वहाँ पर शुक्लेशिया है लेकिन वहाँ पर पद्मलेशिया की विवक्षा नहीं की गई है, इसको भी अपन साथ में देख सकते हैं। अब कल्पों का कथन, कल्प और कल्पातीत बताए थे तो कल्प कहाँ तक होते हैं उसको बतलाने के लिए कहते हैं प्राग ग्रेवे केभ्यः कल्पाः, प्राग ग्रेवे केभ्यः कल्पाः, प्राग ग्रेवे केभ्यः कल्पाः। हाँ, ग्रेवे के पहले पहले कल्प होते हैं, जहाँ पर दस प्रकार के इंद्रादि के भेद होते हैं वो कल्प कहलाते हैं, और कल्पातीत में नौ ग्रेवे, नौ अनुदेश और पांच अनुत्तर इस प्रकार के हो जाएंगे। अब दो सूत्रों के माध्यम से लोकांतिक देवों का, जिनका विशेष वर्णन अपन सभी लोग पंचकलण आदि में जानते हैं, उनके लिए अब कहते हैं ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। हाँ, ब्रह्म लोक में रहने वाले जो देव होते हैं, तो ब्रह्मलोक में पूरे ब्रह्मलोक में नहीं रहते, उसके आखिरी में रहने वाले जो लोग रहते हैं, इन्होंने लोक के अंत को प्राप्त कर लिया, एक भावधारी होते हैं, इसलिए इनको लोकांतिक कहा जाता है, और ये सभी अन्य देवों के द्वारा अर्चनीय होते हैं, इसलिए इनको देवर्षि भी कहा जाता है। फिर इनमें इनके कितने भेद होते हैं, तो उसके लिए कहते हैं सारस्वत आदित्य वन्य ऋण गर्द तो तुषिताभ्या वाथारिष्टाश्च, इनमें आठ भेद दिए हैं, इन आठ भेदों के बीच में और जो है वहाँ पर दो दो भेद हैं, सोलह भेद और होते हैं, और इसके माध्यम से इनकी संख्या काफ़ी होती है, संख्या तो होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी होती है। ये सभी लोकांतिक देवों के बारे में दो सूत्रों के माध्यम से वर्णन किया। अब अगले सूत्र में कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो दो बार उस स्वर्ग में जाने के बाद में मुक्ति को प्राप्त अवश्य कर लेते हैं, इसके माध्यम से इनका वर्णन इनके पहले आया है, इससे भी ज्ञात होता है कि लोकांतिक एक भवावतारी होते हैं। फिर वो जो देव हैं उनके बारे में बता रहे हैं विजया दिशु द्विचर्मा, विजया दिशु द्विचर्मा, विजया दिशु द्विचर्मा, विजया दिशु द्विचर्मा।
इसको अपन मिला करके पढ़ें तो और ज्यादा अच्छा चढ़ सकता है, क्योंकि इसमें विजया दिशु और द्वी आ रहा है, तो यहाँ पर स्वराघात के माध्यम से इसको अपन पढ़ सकते हैं। विजया दिशु द्वी चरमा, हाँ विजया दिख में, तो विजय वैजयंत जयंत अपराजित आदि के जो देव होते हैं वो द्वी चरम शरीरी होते हैं। टीका में इसमें चा के माध्यम से जो आगे के वर्णन, आगे का वर्णन आने वाला है, उनमें यहाँ पर अनुदिशों को भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है, यानी नौ अनुदिश को भी यहाँ पर, केवल चार अनुत्तर को नहीं, उसमें नौ अनुदिश भी इसमें ग्रहण होते हैं। अब जो त्रियंश गति का वर्णन, वैसे चौथे अध्याय में त्रियंश गति के बारे में कोई पूछे कि कहाँ पर त्रियंश गति का वर्णन कहाँ किया है, तो अपन सभी लोग सामान्य से दूसरे अध्याय बताएंगे, लेकिन चौथे अध्याय में भी त्रियंश गति का वर्णन किया है। उसका कारण ये है कि त्रियंशों का कोई स्पेशल स्थान नहीं बताया, मनुष्यों का ढाई दीप बता दिया, स्वर्गों का ऊपर बता दिया, नारियों का नीचे बता दिया, त्रियंश पूरे लोक में व्यवस्थित हैं, इसलिए उनका वर्णन बाद में किया गया है, क्योंकि सबका बता दिया और बाकी सबका जो बताने के बाद में बचे हुए त्रियंश गति के जीव होते हैं उनके लिए अगला सूत्र आता है, औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास त्रियज्ञो नयः। औपादिक मनुष्येभ्य शेषास त्रियक योनियः। हाँ, उपाजनम वाले तो देव और नार किया गए, और मनुष्यों को छोड़कर के शेष जितने भी जीव हैं सब त्रियंशनी वाले होते हैं। तो त्रियंशनी में जनरली ऐसा समझा जाता है कि जो देखने में आ रहे हैं पशु आदि वही त्रियंशनी के होते हैं, नहीं, उसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, और अग्नि भी है, वायु भी है, ये सब भी जो है त्रियंशनी के अंतर्गत होते हैं, इसके माध्यम से ज्ञात करना चाहिए। अब इसके बाद में वहाँ पर नारकियों, मनुष्यों, त्रियंशों की आयु के बारे में बता करके आए थे, अभी तक देवों की आयु के बारे में नहीं बताया है। वैसे देवों के लिए अमर कहा जाता है, तो ऐसा ना समझ लें कि लोग इनकी जो है अमर होते, कभी मरण को प्राप्त नहीं होते, इनकी भी आयु होती है, भले ही इंद्र हो उसकी भी आयु होती है, तो उसका वर्णन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले निकाय भवनवासी की उत्कृष्ट स्थिति को बतलाने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, स्थिति रसुर नार सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्यो कुमार भीमलिता। स्थिति रसुर नार सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्यो कुमार भीमलिता। हाँ, इसमें असुर कुमार की जो स्थिति है वो एक सागरोपम की है। फिर इसके बाद में नाग कुमार की तीन पल्ले, सुपर्ण कुमार की ढाई पल्ले, आधा आधा काश में आधा आधा ही करना है। फिर द्वीप कुमार की वहाँ पर दो पल्ले जाएगी, और शेष की वहाँ पर डेढ़ पल्ले स्थिति रहेगी। इसमें यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आगे वहाँ पर उनका जगन स्थिति का वर्णन करेंगे, तो उसके माध्यम से अपने को ज्ञात होगा कि ये सारी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन है। अब इनकी जगन स्थिति का वर्णन अभी ना करके वो संक्षेप में वहाँ पर बाद में बताएंगे, और व्यंतर और ज्योतिष की भी स्थिति संक्षेप में बाद में बताएंगे। अब वैमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति बतलाने के लिए प्रारंभ करते हैं। सौधर्मयी शान यो सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ऐशन स्वर्ग में वहाँ पर दो सागर से कुछ अधिक उनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। यहाँ पर अधिक जो है धाता इसके साथ में लिया जाता है, जिन्होंने पहले ऊपर आयु बांधी हो, बाद में आयु को अपने संदेश आदि के माध्यम से कम कर लेते हैं, तो वो खाता इस कहलाते हैं, उनके लिए आधा सागर आदि पल्ले आदि दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर साधिक लिया गया है। फिर इसके बाद में सानत कुमार महेंद्र यो सप्त। हाँ, सानत कुमार और महेंद्र के देवों की उत्कृष्ट स्थिति सात सागर से कुछ अधिक है। अब शेष कल्पों की स्थिति क्या है, तो त्रिसप्त नवे एकादश त्रयोदश पंच दश विरधिकानि तु। हाँ, अब इनमें जो सात बताए हैं उनमें अपने को आगे जोड़ना है, तो सात में अपन तीन जोड़े तो वहाँ पर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में वहाँ पर साधिक दस सागर आ जाएंगे। फिर लांतव काकृष्ण में सात जोड़ेंगे तो चौदह सागर साधिक आ जाएगी। शुक्र महाशुक्र में सात और नौ जोड़ेंगे तो सोलह सागर हो जाएगी। फिर शतार सहस्राणी बारहवें स्वर तक वहाँ पर सात में ग्यारह जोड़ेंगे तो अठारह सागर साधिक आ जाएगी।
यहीं तक जो है केवल घातायस होते हैं, इसलिए यहाँ पर तू दिया है, तू यानी यहीं तक लेना है इस बात को ध्यान में रखने के लिए। आनंद प्राणत में वहाँ पर 13 जोड़ेंगे साथ में तो 20 सागर यहाँ पर पूरे रहेंगे। आरण अच्युत में वहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो 15 और 7 22 सागर पूर्ण रहेंगे। अब कल्पातीत देवों की आयु के बारे में बतलाते हैं। आरणाचुता दूर्ध मैकेकेन नवसुख ग्रेवे केसु विजयादिषु सर्वार सिद्धौ च। हाँ, अब आरण अच्युत से ऊपर लेकर के अब यहाँ पर उनकी 22 सागर बताई थी, अब एक एक नवसु ग्रेवे केसु उनमें एक एक सागर की अपन बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर 9 ग्रेवे हैं तो 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर ये अधोग्रेवे की, फिर 26 सागर, 27 सागर, 28 सागर ये मध्यम ग्रेवे की, और 29 सागर, 30 सागर, 31 सागर ये ऊर्ध ग्रेवे की। फिर इसके बाद में वहाँ पर नव अनुदिश हैं तो नव अनुदिश को वहाँ पर 32 सागर, और जो विजयादिक विमान हैं 4 विमान उनमें 33 सागर हैं, लेकिन यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट दोनों भेद होते हैं, और सर्वार सिद्धि में वहाँ पर 33 सागर पूर्ण होती है, उसमें जघन्य नहीं होती, इसलिए इसको अलग व्यवस्थित तोड़ करके लिखा गया है। अब इनकी सबकी अपन ने उत्कृष्ट स्थिति को जान लिया है, अपने को जघन्य का ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर जघन्य का सौधर्मेशान की जघन्य बता रहे हैं, इसके माध्यम से अपनी ये सबकी उत्कृष्ट स्थिति है ये ज्ञान होता है। अपरापल्ल्योपम अधिगम, अपरापल्ल्योपम अधिगम, हाँ, तो सौधर्मेशान स्वर्ग के देवों की जघन्य स्थिति एक पल्ल्योपम से कुछ अधिक, कोई साधक के साथ नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे ज्ञान हुआ कि ये सौधर्मेशान की है, क्योंकि अगला सूत्र आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो देवों की जो उत्कृष्ट आयु है वही जो है ऊपर वाले देवों की जघन्य आयु हो जाती है, तो इसके माध्यम से सबका ज्ञान हो जाएगा, केवल सौधर्मेशान का ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन उसमें अपरा पल्ल्योपम अधिगम सूत्र से वहाँ पर सौधर्मेशान का अर्थ निकालेंगे। तो उनमें शीर्ष देवों की जघन्य आयु निकालने के लिए अगला सूत्र आता है परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। हाँ, पूर्व पूर्व के देवों की जो उत्कृष्ट स्थिति है आगे आगे के देवों की वही जघन्य स्थिति हो जाती है। अब नारकियों की उत्तर स्थिति वहाँ पर 6 सूत्र में 3 अध्याय में बतलाई थी, लेकिन जघन स्थिति नहीं बताई थी, यहाँ पर देवों की जघन स्थिति जैसी वहाँ पर बताने के लिए वहाँ पर कह रहे हैं नारकाणांचा द्वितीया दिशु, नारकाणांचा द्वितीया दिशु। हाँ, नारकियों में भी जैसे स्वर्गों में बताई है वैसी ही नारकियों में है, तो दूसरे आदि नरकों में जो नारकियों की जघन स्थिति है पूर्व पूर्व के नरकों की उत्तर स्थिति प्रमाण हो जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर सब नरकों का निकल जाएगा, लेकिन प्रथम नरक का वहाँ पर नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए आखिरी इसके बाद में 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। हाँ, प्रथम नरक की नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष प्रमाण है, इसके माध्यम से बाकी सबकी आयु का वहाँ पर निर्धारण इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगा। अब भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति बता दी थी, अब यहाँ पर संक्षेप में जघन्य स्थिति बतलाने की कह रहे हैं भवनेषु च, भवनवासियों में भी जघन्य स्थिति 10,000 प्रमाण सागर 10,000 वर्ष प्रमाण होती है। फिर व्यंतरों की वहाँ पर अभी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों नहीं बताई है, लेकिन भवनवासियों की सामान्य उनकी जघन्य स्थिति होती है, इसलिए यहाँ पर सांस छोटे में कहने के लिए कह रहे हैं व्यंतराणांच, व्यंतराणांच, व्यंतरों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु नहीं बताई है, तो उसको बता रहे हैं परापल्ल्योपम अधिकम, परापल्ल्योपम अधिकम, तो यहाँ व्यंतरों की जो उत्कृष्ट आयु है वो पल्ल्योपम से अधिक, साधक यहाँ पर भी लगे क्योंकि यहाँ भी घातायस्क होते हैं। फिर अब ये व्यंतरों की जघन्य भी बता दी, उत्कृष्ट भी बता दी, अब ज्योतिष देव रह गए हैं तो उनके लिए कह रहे हैं ज्योतिष काणांच, ज्योतिष काणांच। हाँ, ज्योतिष की भी जो उत्कृष्ट आयु है जैसी व्यंतरों की है वैसी ही इनकी है। अब ज्योतिष की जघन्य भी मालूम है तो वहाँ पर कह रहे हैं तदस्त भागो परा, तदस्त भागो परा। हाँ, ज्योतिषों की जो जघन्य आयु होती है जो उनकी उत्कृष्ट आयु बताई है उसका 8वां भाग उनकी जघन्य आयु होती है। अब यहाँ पर वैसे उत्कृष्ट आयु उनकी पल्ल्योपम से कुछ अधिक है, लेकिन जब जघन्य आयु निकाली जाती है तो वहाँ पर पल्ल्योपम से अधिक ना लेकर के केवल पल्ल्योपम ही लिया जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि जब वहाँ पर कहा है कि उसके 8वें भाग है, तो यहाँ पर जब उनकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक होती है तो उसका भी 8वां भाग करना चाहिए, लेकिन टीकाकार जितने भी हैं
चाहे वो पूछपाल स्वामी और अकलन देव हो, सब वहाँ पर पल्लवों का ही आठवां भाग लेते हैं। अब आखिरी में लोकांतिक देवों का जिनके दो सूत्रों के माध्यम से अलग से वर्णन किया था, उनका यहाँ पर उनकी आयु के लिए अलग से सूत्र दे रहे हैं। लोकांतिका नाम अस्तौ सागरोपमाणि सर्वेषां। हाँ, लोकांतिक जो देव हैं उनमें आठ सागर, उनकी सभी की उत्कृष्ट और जगन स्थिति होती है, समानी होती है। वहाँ पर जैसे सर्वार सिद्धि में अलग अलग नहीं दिया है, इसी प्रकार से यहाँ पर इनकी भी स्थिति समान आठ सागर प्रमाण होती है। इस प्रकार से 42 सूत्रों में अपन ने ये चौथे अध्याय को, जिसके बारे में बताया था कि 42 सूत्रों को याद रखने के लिए चौथा 42 में चौथा अध्याय है, तो चार को आए भी आएगा उसमें, और साथ साथ में दो प्रकार के देव कल्पा कल्पोपन और कल्पाती, इस प्रकार से अपन 42 सूत्रों को याद रख सकते हैं। अब अपन इन 42 सूत्रों को यदि उंगली पर बिठाल करके याद करना चाहें तो यहाँ पर सबसे आखिरी सूत्र में वहाँ लोकांतिक देवों का विशेष वर्णन आया था, फिर बाद में ज्योतिष की जघन्य आयु आठवें भाग, ज्योतिष की जो उत्कृष्ट आयु व्यंतरों के समान बताई थी, फिर व्यंतरों की वहाँ पर बताई थी परापल्लवम मधिकम इस सूत्र के माध्यम से, और उनकी जघन्य आयु भवनेशुजा के समान बताई थी, तो इसलिए वहाँ पर ये दो सूत्रों के माध्यम से व्यंतरों की और भवनवासियों की हो गई। फिर नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष बताई, उनमें भी वहाँ पर एक दूसरे में ऊपर ऊपर की लेना है जिसके माध्यम से हो जाएगी, और उसके पहले वहाँ पर देवों के लिए भी जो है वहाँ परता परता वाला सूत्र के माध्यम से लिया था, और वहाँ पर सौधर मेषान की जघन्य आयु अपरा पल्लियों को मलिकों वाले सूत्र से ली थी, फिर वहाँ पर आरणच्युत से ऊपर के सारे देवों की स्थिति कल्पाती देवों की स्थिति बताई थी, फिर उनमें 3-7 आदि जोड़ करके वहाँ पर जो बाकी के कल्प बचे थे उनकी स्थिति दी थी, फिर सानत कुमार महेंद्र की साथ सौधर नेशान की दो वाली ये वाला आ गया, फिर इसके पहले भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 9, 6, 15 सूत्रों में स्थिति का वर्णन अपन ने सीखा। अब चार सूत्रों में अपन लेंगे तो उसमें सबसे पहले त्रेंच गति, उसके पहले विजयादिक विचरण वाले होते हैं, और दो सूत्रों में वहाँ पर लोकांतिक देवों का पहले और उसके बाद उनके भेदों का वर्णन किया था। फिर 8 सूत्रों में वैमानिकों का वर्णन था, तो कल्प कहाँ होते हैं उसका वर्णन, उनकी लेशियाएँ क्या होती हैं, उनमें क्या क्या कमी होती जाती है, क्या क्या वृद्धिंगत होता जाता है, और सौधर्म आदि 16 और बाकी सबके नाम, उसके पहले ही इनके विमान ऊपर ऊपर हैं और उसमें दो प्रकार के भेद उनके और वैमानिक का अधिकार प्रारंभ होता है। अब 3 सूत्रों में बाहर में स्थित हैं, इनसे काल का विभाजन होता है और ये मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। फिर इसके बाद में ज्योतिष देवों के जंतरों के देव और भवनवासियों के देव, 3 सूत्रों में प्रविचार, तो इसमें परे प्रविचार वाला, बाकी शेष सब प्रकार का और काय का प्रविचार कहाँ तक होता है। फिर 3 सूत्रों में अपन देखें तो वहाँ पर दो दो इंद्र होते हैं उसका वर्णन, क्या क्या वर्जित हैं, और इंद्रादिक 10 भेदों का वर्णन, उसके पहले 3 सूत्रों में वहाँ पर इनके उत्तर भेदों की संख्या बतलाई, उसके पहले 3 भवनत्रिक में लेशियों के बारे में बताया, और पहले सूत्र में 4 प्रकार के निकाय होते हैं। इति तत्वार सूत्र अक्षर पद मात्रा से दूषित वचने अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।